राहुल गांधी की संसद में सदस्यता खत्म करने का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। कुरवाई नगर के उत्सव गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाए। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हसरुद्दीन खान ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि देश के नेता हैं। ऐसे पहले नेता हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा की। राहुल गांधी को मिल रही लोकप्रियता और संसद के पूछे गए तीखे सवालों के जवाब न होने की वजह से भाजपा सरकार भयभीत हो गई और षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करवा दी गई। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश तिवारी ने भाजपा सरकार को दमनकारी सरकार बताते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार षड्यंत्रकारी सरकार है, जो भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमों में फंसा कर केस दर्ज कर आवाज को दबा दिया जाता है। अगर राहुल गांधी की संसद में सदस्यता जल्द से जल्द बहाल नहीं की गई तो देश में नगर में गांव-गांव में गली गली में धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जाएगा। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। मैं भी आवाज बुलंद उठाइए, चाहे वो पत्रकार है, अगर उसने सवाल पूछा है तो दूसरे दिन उसको जेल में पहुंचा दिया गया। चाहे वो हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने कोई प्रश्न उठाया है तो उनके लिए खालिस्तानी पाकिस्तानी ये वो देशद्रोही बता दिया। अगर किसी कॉलेज के लड़कों ने कोई मांग उठाई है तो उसे दमनकारी रूप को चल के उनको जेल भेजा गया, उनको इतना पीटा गया कि उनके पैरों के कपड़े उनके जो है उतारने के लिए फाड़े गए। ये देश की वर्तमान की हालत है और इस हालत से क्योंकि कांग्रेस के रगों में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने इस देश के खिलाफ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम लोग अंग्रेजों से लड़े, तो ये हम राहुल जी की और हमारी ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम देश के लिए लड़ रहे हैं कि देश में बहुत प्रजातंत्र के खिलाफ संविधान के खिलाफ बहुत अत्याचार दुराचार हो रहा है और इस आवाज को हम गांव तक ले जाएंगे। ये हमें आदेश जरूर है वहां से, मगर ये हमारी इच्छा है कि हम खुद पत्रकारों के बीच में पहुंच के अपनी बात रखें। ये प्रदेश से आदेश है, ईआईसी से आदेश है, हमारी जो पार्टी से पत्रकार वार्ता करेगी या सड़कों पर कुछ करेगी? नहीं, आपको नहीं दिख रहा कांग्रेस निरंतर सड़कों पर विरोध कर रही है? ऐसा कोई पत्रकार आंदोलन अभी तक नहीं दिखा कार्रवाई कांग्रेस के द्वारा जिससे ये दर्शाया जाए कि नहीं पुतला दहन किया था? अभी हमने पुतला दहन किया, आपने किया था? हमने सवाल दहन तो हमने धरना दिया, आपको नहीं दिख रहा इसमें हमारी कोई गलती नहीं, मीडिया को नहीं दिख रहा? मीडिया अगर नहीं और आगे रूपरेखा बन रही है बहुत बड़े आंदोलन की, हमारे पार्टी का नेता नहीं देश के नेता हैं राहुल गांधी। अभी एक प्रमाण साफ सामने आता है कि इतने मजबूत नेता हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहला नेता है राष्ट्रीय स्तर का जिसने कि पैदल यात्रा की, देश की परिस्थिति देखने के लिए देश में क्या हो रहा है किसके साथ अन्याय हो रहा है उससे बौखला के मोदी जी ने ये डिसीजन लिया। ये कोर्ट ने नहीं लिया, कोर्ट पे दबाव बनाया गया केस। इससे पहले हमने देखा पांच पांच सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पत्रकारिता वार्ता करके ये कहा कि किस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप फोटो में हो रहा है, जजों के साथ हो रहा है, तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी राजनीतिक षड्यंत्र के थ्रू किसी राजनीतिक दबाव के कारण ही राहुल गांधी को बगैर किसी ट्रायल के बगैर किसी सुनवाई के और उनको सजा दे दी गई। तो उस संबंध में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक वार्ड स्तर तक आंदोलन की तैयारी चल रही है और उस आंदोलन जब तक उनको बहाल नहीं किया जाएगा कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी को हाँ भाजपा के द्वारा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में जब वो भाजपा के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।